आज पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. यस्टरडे हमने एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट कर लिया था. ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी वो 1.5 मीटर तक क्या है, लॉन्ग है. ठीक है, लेंथ क्या है इसकी, 1.5 मीटर लॉन्ग. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. तो जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट. क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट होता है आपका वो प्रेजेंट होता है. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं. तो फर्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो होता है आपका इजेशन ऑफ फूड. इजेशन, इजेशन क्या होता है, द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इट पुश्ड आउट ऑफ द एनस. दिस इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले सेमी सॉलिड मतलब जो चीज आधी सॉलिड होती है आधी लिक्विड, मतलब पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर. जो पेस्ट होता है आपका वो थोड़ा लिक्विड भी होता है थोड़ा सॉलिड भी होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेमी सॉलिड. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड. तो क्या किया जाता है, इसे पुश किया जाता है एनस के पास थ्रू टू द एनस. तो ये जो प्रोसेस होता है आपका इसे बोलते हैं इजेशन. नेक्स्ट कम्स योर द अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू. जो भी आपका, जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन ने सारे वाटर्स एंड सॉल्ट उसमें से ले लिए, जब उसमें से सब कुछ उसने ले लिया तो क्या हुआ, सब आपका अनडाइजेस्टेड जो आपका वेस्ट ही बचेगा बॉडी में. तो जो भी आपका वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं. रेसिड्यू क्या होता है, जो पूरा काम होने के बाद जो अंत में आपका रिजल्टेंट बचता है उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू. दैट एंटर्स रेक्टम फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड फीसेस. ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, फीसेस. तो क्या होता है आपका, जो लार्ज इंटेस्टाइन से कहां जाता है, वो रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से इट विल गो टू एनस. As you can see the diagram, diagram में पहले आपको the human digestive system में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको rectum दिया है, उसके बाद आपको anus दिया हुआ है. तो इसका मतलब जो आपका large intestine में जो आपका waste बचेगा खाने का वो कहाँ आएगा, पहले rectum में आएगा, and then it will eliminate through anus. Okay? तो ये था आपका whole digestive process जो हमने अभी तक पढ़ा है इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस में तो हमने देख लिया कि कैसे डाइजेशन होता है, पहले स्टमक में आता है, पहले सॉरी माउथ में आता है, फिर मुख सलाइवा के साथ मिक्स होता है, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू आपके पेट में जाता है, फिर वो डाइजेस्टिव कुछ जूसेस होते हैं उनके साथ मिलता है, देन इट विल मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें लिवर और पैनक्रियास के जूसेस जाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, देन इट विल मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वहां पे सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट बचता है, द वेस्ट मूव्स टू द रेक्टम, और रेक्टम से इट विल एलिमिनेट थ्रू एनस. ओके, तो ये था आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमंस. अब देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड्स इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स मतलब जितने भी आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग समझते हैं ना आप लोग, जो घास खाते हैं, जितने भी आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस बफेलोज एंड हॉर्सेज हैव अ पार्ट ऑफ देयर स्टमक स्पेशलाइज्ड टू स्टोर हाफ च्यूड फूड. दिस फूड इज कॉल्ड रूमेन. अब आप लोगों ने देखा होगा जो गाय होती है या जो भैंस होती है, जो घोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनको खाना मिलता है वो पहले वो पूरा एक बार में खा लेते हैं. ठीक है, पूरा एक बार में खा लेते हैं, अपने स्टमक में अपने पेट में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं उसे. उसके बाद क्या करते हैं, जब वो जैसे जैसे, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने पूरा खाना खा लिया, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उनका जो मुंह होता है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. आप अगर गाय भैंस को भी देखेंगे तो जो उनका मुंह होता है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो वो अपने पेट में खाना स्टोर करते हैं आफ्टर सम टाइम जो आपका हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है वो उनके मुंह में वापस आता है, और फिर उसे वो धीरे धीरे चबा चबा के उसे वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं. तो ये जो हाफ च्यूड फूड जो उनके मुंह में वापस आता है इसे हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं. ठीक है, और जो एनिमल्स ऐसा प्रोसेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, जो आपका मान लीजिए ये आपकी गाय है. ठीक है, अब इसने क्या किया, घास दिया आपने इसको, जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ. ठीक है, आपने इसको घास दी. ठीक है, ये क्या करेगी, घास खा लेगी. ठीक है,
घास खाने के बाद ये जो घास होगी ये घास इसके अंदर चली जाएगी. ओके, जस्ट थिंक कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये इसका स्टमक है. ठीक है, इसके अंदर ये क्या होगी, जो आपकी ये घास है इसके अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगी. ठीक है, एज यू कैन सी द ग्रीन पोर्शन, इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगी. पूरा घास इसने खा लिया, फिर आफ्टर सम टाइम जो ये घास होगी ये क्या करेगी, ये दोबारा इसके मुंह में जाएगी, दोबारा गाय के मुंह में जाएगी. तो ये जो स्टोर्ड घास होती है इसके पेट के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम र्यूमन. ओके, और ये जो एनिमल्स होते हैं जो ऐसा ये जो करते हैं प्रोसेस, से क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं. फिर ये घास इसके मुंह में जाएगी और जो ये घास जो है उसे कॉन्टिन्यूसली ये चबा चबा कर उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेगी. ओके, द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स हैज फोर चेम्बर्स. तो जो स्टमक होता है ऐसे एनिमल्स का, उसके चार चेम्बर होते हैं. चार चेम्बर मतलब फोर पार्ट होते हैं. ओके, फर्स्ट इज योर र्यूमन. As you can see, this yellow portion is your rumen. Okay. Next is your reticulum. Reticulum, this blue portion is your reticulum. Okay. Omasum, ये जो आप देख रहे हैं, this ये जो आपका ऐसे spiral की तरह ऐसे ऐसे जा रहा है, this portion is your omasum. Okay. And ये जो green portion है, जो mouth से connected है, इसे क्या बोलेंगे हम? एबोमसम. ठीक है, एबोमसम. ओके, गॉट इट सेवेंथ क्लास, पता चल गया. चार चेम्बर्स कौन कौन है इनके पास. फर्स्ट चेम्बर इज योर र्यूमन. र्यूमन क्या है, दिस येलो पोर्शन. ओके, नेक्स्ट इज योर रेटिकुलम. रेटिकुलम इज द ब्लू पोर्शन. ये जो आपका ब्लू पोर्शन है इसके अंदर और स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको. ओके, देन इज योर ओबसम, ओमसम. ओमसम इज योर दिस पोर्शन. ये जो आपका रेटिकुलम को जो कैरी कर रहा है एंड दिस पोर्शन जो यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जा रहा है, ये पूरा इनके लास्ट जो इनका एनस होता है वहां तक कनेक्टेड है. ओके, एंड देन इज योर ओबसम जो इनके माउथ से कनेक्टेड है. ओके, तो ये है इनके चार चेम्बर्स जो इनकी बॉडी में होते हैं. अब कैसे ये प्रोसेस होता है, देखिए. रूमिनेंट ईट क्विकली एंड स्टोर इट the rumen where it is partially digested. The partially digested food is called cud. तो जो इन्होंने जो अब मान लीजिए क्या होता है, eat quickly का मतलब उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी पूरा खा लिया, उसको क्या किया, store कर लिया अपने पेट में as rumen. फिर क्या होगा, जो आपका half digested या partially digested food होगा वो क्या होगा, दोबारा से उनके मुंह में आएगा. तो ये जो partially digested food होता है इसको हम क्या बोलते हैं, cud बोलते हैं. This is cud. और ये जो चबाने का इनका पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कडिंग. This process is called cudding. Okay. Moving to the next page. Ruminant stop feeding. The cud returns to the buccal cavity in a small hump and it chewed again. The process is called rumination. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो कड होता है वापस उनके बकल कैविटी में आता है. बकल कैविटी यू नो माउथ. माउथ में जो उनका वो कड वापस आता है वो भी किस में आता है, छोटे छोटे लम्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो वापस आता है उनके मुंह में. ओके, सो क्या करते हैं, वो उसको दोबारा से चबाते हैं उसको अपने मुंह के अंदर. तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं इसे. ओके, रूमिनेशन. सो दिस वॉज द प्रोसेस इन रूमिनेंट्स. फिर अब कैसे ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, वी विल सी नाउ. प्लांट्स डाइजेशन इन सेलुलोज. सेलुलोज मतलब जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, क्या होता है उनके अंदर सेलुलोज का कंटेंट होता है. इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि कैसे प्लांट्स अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ओके, प्लांट फूड इज रिच इन सेलुलोज. द रूमिनेंट डाइजेस्ट सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन अ स्पेशल सैक प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज कॉल्ड सीकम. तो जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. जैसे मान लीजिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. जिस जंक्शन पे ये दोनों मीट करेंगे, जिस जंक्शन पर ये दोनों मीट करेंगे आपस में, उस जंक्शन को क्या बोलेंगे हम, सीकम बोलेंगे उसे. ओके, ए इज साइलेंट इन दिस. सीकम में ए जो होता है आपका साइलेंट होता है. ठीक है, सीकम कंटेन्स बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो सीकम क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम जरूरी होते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं.
तो ये जो इसी वजह से जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें मिल जाते हैं आपके सेलुलोज के साथ और उन्हें क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है. नाउ कम्स योर सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर लाइकली लिंक्ड टू द न्यूट्रिशन. तो जितना भी हमारा न्यूट्रिशन होता है बॉडी में वो सब क्या है आपका, रिलेटेड टू है, किसके से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से. तो जैसे आपका न्यूट्रिशन होता है इन ह्यूमंस वैसे ही आपका न्यूट्रिशन होता है इन मेंस सॉरी इन एनिमल्स में भी. ठीक है. सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी के वो डायरेक्टली लिंक होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस से. ओके. एज यू कैन सी इन दिस द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. तो जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है. ये ऑक्सीजन आपका फूड के साथ मिल जाता है, जो सारे क्या मिलता है, सारे सेल्स को मिलता है हमारी बॉडी में, जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ओके. और सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, यहाँ पे दिस बॉय इज सेइंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने और लार्ज इंटेस्टाइन ने जो भी एनर्जी है, जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है, वो सारे सेल्स को या सारे बॉडी पार्ट्स को जो पहुंचाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. उसे क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है. नाउ इन दिस एज यू वी कैन सी दैट यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर. ओके.